गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल बाय मोनोमियल, इसके बाद मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मोनोमियल विथ ए बाइनोमियल और ए ट्राइनोमियल, इसके बाद इवेलुएशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। अब जैसे एक्सरसाइज 6.2 में है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द प्रोडक्ट, क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है। इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है 4ab - 6a²b, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले जहाँ पे कॉमा का यूज है वहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन यूज करेंगे, 4ab - 6a²b। अब यहाँ पे सबसे पहले ध्यान देना है विथ साइन, यानी साइन के साथ न्यूमरल्स का जो यूज हुआ है सबसे पहले उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 4 है और मल्टीप्लाई -6 है, यानी न्यूमरल को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 4 - 6। इसके बाद यहाँ पे वेरिएबल को भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे ए बी है फर्स्ट नंबर में और सेकेंड नंबर में है a²b। अब देखिए 4 - 6 24 हो जाएगा, इंटू अब a² कितना हो जाएगा, a³ हो जाएगा, फिर b² हो जाएगा। इसको हम क्या राइट कर सकते हैं, -24a³b²। तो इस तरह से हम मल्टीप्लाई करके और यहाँ पे लास्ट में आंसर हम लिख सकते हैं। इसी तरह से सी नंबर क्वेश्चन है 2/3xyz - 3x - 7/9y²z, इसको भी हम उसी तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2/3xyz, इसके बाद -3x - 7/9y²z। और सबसे पहले न्यूमरल्स को राइट कर लेंगे, तो यहाँ पे 2/3 है -3 - 7/9। इसके बाद वेरिएबल को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे xyz है, इसको राइट कर लेते हैं xyz, इसके बाद यहाँ पे x है, x लिखेंगे, और फिर यहाँ पे y²z है, y²z। तो ध्यान देना है कि हमको साइन का भी मल्टीप्लिकेशन स्पष्ट होना चाहिए, यहाँ पे प्लस इंटू माइनस है, तो सबसे पहले साइन को मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, तो माइनस इंटू माइनस यहाँ पे, तो प्लस में हमारा आंसर आएगा। इसके बाद देखते हैं 3 से ये 3 कट जाएगा, ये अब ये कितना हो जाएगा, 2 - 7 14 हो गया, डिवाइडेड बाई 9 हो गया। अब हमें वेरिएबल को मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे x है और यहाँ भी x है, x इंटू x कितना हो जाएगा, x² हो जाएगा। इसके बाद y² तो ये y³ होगा, और फिर z² हो जाएगा। अब इसी को हम क्या राइट कर सकते हैं, 14/9x²y³z²। इसी क्वेश्चन का एक नंबर है 4xy - 3yz + 6xz, 2xy, यानी ये जो फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है इसको 2xy से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसके लिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं, क्या अगर a से हम b+c+d में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, ab+ac+ad। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो a² b, फिर a² c, और इसके बाद a² d, और जब इसका प्रोडक्ट हम फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ab+ac+ad। तो उसी तरह से हम लोग मल्टीप्लाई इसको भी करते हैं, जैसे यहाँ पे 4xy है -3yz और +6xz, इसको ब्रैकेट का यूज हम लोग जरूर करेंगे, और इसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन 2xy, जिस तरह से हमने फॉर्मूला अभी अभी बताया, तो उसी तरह से हम क्या करेंगे, 2xy से
इन तीनों टर्म्स में मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 4xy और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 2xy, इसी तरह से -3yz मल्टीप्लाई 2xy और फिर 6xz मल्टीप्लाई 2xy, यानी 2xy से हम तीनों टर्म्स में मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद ये क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 2, यहाँ पे 8 हो जाएगा, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर और फिर y इंटू वाई वाई स्क्वायर। इसी तरह से -3 मल्टीप्लाई 2 तो -6, फिर x है यहाँ पे x लिखेंगे, y इंटू वाई वाई स्क्वायर और एक लास्ट वेरिएबल यहाँ पे z बच रहा है तो z को भी राइट कर देंगे, प्लस 6 मल्टीप्लाई 2 12 हो जाएगा, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, y है y लिखेंगे इसके बाद जी। तो इस तरह से हम बहुत आसानी से मल्टीप्लिकेशन हम लोग कर सकते हैं। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, इवेलुएट आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफाई करने के बाद हमें क्या करना है, वैल्यू फाइंड करना है। तो किसको सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ पे बी नंबर क्वेश्चन है 3yz इंटू वाई स्क्वायर जेड माइनस yz स्क्वायर प्लस yz फॉर y इज इक्वल टू -2 एंड z इज इक्वल टू 3। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3yz से हम प्रत्येक टर्म्स में मल्टीप्लाई करते हैं पहले, तो 3yz इंटू वाई स्क्वायर जेड फिर प्लस इंटू माइनस, क्या हो जाएगा देखिए मल्टीप्लीकेशन में हम लोग साइन का मल्टीप्लीकेशन करते जाएंगे, तो 3y प्लस है यहाँ पे 3yz पॉजिटिव है और यहाँ पे निगेटिव है, तो निगेटिव में हमारा प्रोडक्ट होगा 3yz इंटू yz स्क्वायर, इसके बाद प्लस इंटू प्लस क्या हो जाएगा प्लस ही होगा 3yz इंटू yz। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 3y³z स्क्वायर, इसके बाद यहाँ पे 3y स्क्वायर जेड क्यूब और प्लस 3y स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब यहाँ पे इस प्रोडक्ट में हम क्या करेंगे y इज इक्वल टू -2 एंड z इज इक्वल टू 3 वैल्यू पुट करेंगे, यानी ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू -2 एंड z इज इक्वल टू 3। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 इंटू वाई का y क्यूब है तो y का वैल्यू -2 है तो -2 का पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, इंटू z स्क्वायर है तो z का वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 3 इंटू y का वैल्यू -2 है y स्क्वायर लिखना है तो -2 का स्क्वायर इंटू 3 का पावर 3। इसी तरह से 3 इंटू -2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 इंटू -8 इंटू 9, इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 4 इंटू 27 और प्लस 3 इंटू 4 इंटू 9। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा निगेटिव में आंसर होगा -216। इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -324 और ये हो जाएगा 108। ये कितना हो जाएगा 108। अब नेगेटिव टर्म्स को हम क्या करेंगे एक साथ ऐड कर लेंगे तो ये -216 -324 ये हो जाएगा -540 और +108। जब इसका वैल्यू फाइंड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3 हो जाएगा और इसके बाद यहाँ पे 4 होगा यानी -432।